सागर मध्य प्रदेश राज्य में बीजेपी के नेतृत्व वाली मोहन यादव सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस का विरोध तेज हो गया है। बीते सोमवार को सागर में कांग्रेस ने बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया, जिसमें कई प्रमुख नेता शामिल हुए। कांग्रेस ने सागर जिलों में दलितों पर अत्याचार, स्मार्ट सिटी में 900 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार और बिगड़ती कानूनी व्यवस्था को लेकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। पार्टी का दावा है कि सरकार इन मुद्दों पर पूरी तरह से विफल रही है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात किया और चारों ओर बैरिकेड्स लगाए। इसके बावजूद कांग्रेस नेताओं ने बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी बैरिकेड्स पर चढ़ गए और वहीं से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने घोषणा की कि अगले प्रदर्शन में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पुलिस की कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने पूछा कि जब प्रदर्शन शांतिपूर्ण था तो वाटर कैनन का इस्तेमाल क्यों किया गया। पटवारी ने चेतावनी दी कि अगर जिले की व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ तो कांग्रेस और बड़ा आंदोलन करेगी। जीतू पटवारी ने सागर में दलितों पर बढ़ते अत्याचार और भ्रष्टाचार के मुद्दे को गंभीरता से उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर होने वाले अत्याचारों का विरोध किया जाएगा और इस संबंध में दोषी अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस प्रदर्शन में पूर्व मंत्री हर्ष यादव, प्रभु सिंह ठाकुर, पूर्व विधायक सुनील जैन, तरवर सिंह लोधी, जिला अध्यक्ष आनंद अहिरवार, राजकुमार पचौरी, लोकसभा प्रत्याशी गुड्डू राजा बुंदेला सहित हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस का यह प्रदर्शन यह स्पष्ट संदेश देता है कि पार्टी सरकार की नीतियों और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कड़ी पुलिस कार्रवाई और वाटर कैनन के बावजूद कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट किया कि वे नेता से न डरेंगे न ही झुकेंगे। क्या मंत्री बने तीन मंत्रियों के हालात क्या है? मंत्रियों के हालात बस से बदतर। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि एक मंत्री है आदरणीय खुरई के जो आजकल मंत्री नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता है, पर हालात क्या है? वो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने कई सालों से सींचा है, पर हालात क्या है सागर के? साथियों, मैंने जैसा कहा कि सागर के विकास की बात बहुत हुई, सागर के विकास की बात बहुत हुई, वहां के परिवार वालों के सम्मान की बात बहुत हुई। मध्य प्रदेश पूरा अगर सागर को आंखों से देखे तो यहाँ का विकास किसका हुआ? भूपेंद्र सिंह जिनके होटल बड़े बड़े बन गए, पर आम कांग्रेसी या आम परिवार का विकास नहीं हुआ। फिर गोविंद सिंह जिनका इतना बड़ा होटल और परिवार का राज चल रहा है, आर्थिक संपन्नता 500 गुना बन गई, पर सागर का विकास नहीं हुआ। फिर गोपाल भार्गव जी, उनका भी इतने साल से मुख्यमंत्री बनेंगे, मंत्री तक बनाना उचित नहीं समझा, ये सागर के लिए शर्म की बात है। बात इतनी है, अभी हमारे शहर अध्यक्ष जी कह रहे थे शैलेंद्र जैन जी आज आरती करेंगे गंगा आरती जैसी झील की, उससे मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ पत्रकार बंधुओं से कि अरबों रुपए स्मार्ट सिटी के भेंट चढ़ गया उस झील पर। क्या कारण है कि आपने इतने सालों की सहायता के बाद आप आज गंगा आरती कर रहे हैं? क्या आचमन कर सकते हैं उस पानी का? क्या नहा सकते हैं उस झील में? क्या इस झील में तैर के इधर से उधर तक आ सकते हैं? केवल इवेंट, केवल भ्रष्टाचार। संपत्ति शैलेंद्र जैन साहब की बड़ी, पर इस सागर के विकास का कोई इधर से उधर तक छोड़ने नहीं मिला। तिवारी जी महापौर, उनकी संपत्ति देख लो। अरे बस स्टैंड हटाना है, पूरे परिवार के लोग पुराना बस स्टैंड चाहते हैं, सागर की जनता उसके लिए आह्वान कर रही है, सागर बंद का। पर पांच लोगों की, वहां महापौर की, पूर्व महापौर की, मंत्री के बेटे की, उनकी पत्नी की जमीनों के भाव बढ़ाने हैं, तो प्रशासन नौकर जैसा व्यवहार करता है? नौकर भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं का जिन्होंने जिस तरीके से इस सागर को लूटा, प्रदेश को लूटा, यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या की, लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डराया, धमकाया और अलग अलग तरह की यातनाएं देने लगे। साथियों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं ज्यादा ना बोलते हुए कि अत्याचार और अनाचार कांग्रेस के वर्करों पे होगा, और जो विधायक या भारतीय जनता पार्टी का नेता उसके पीछे होगा, अगर कलेक्टर उसकी नौकरी प्रशासन की नहीं करेगा, उस बीजेपी के नेता की करेगा।
एसपी अपना सर्विस बुक के रूल को नहीं मानेगा तो जीतू पटवारी और एक एक कांग्रेस का नेता जो मंच पे है, जो नीचे है, वो कलेक्टर एसपी से बाद में बात करेंगे। पहले उस बीजेपी के नेता के घर का घेराव करेंगे, विधायक हो, मंत्री हो, पूर्व मंत्री हो, चाहे जो हो। और मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं और चेतावनी भी देना चाहता हूं इस सत्ता के अहंकारी लोगों को कि आपने भ्रष्टाचार किया, सागर की जनता देख रही है। आपने अकूत संपत्ति इकट्ठी कर ली, सागर की जनता देख रही है। आपके अत्याचार और अनाचार की बातें भी सागर की जनता आपस में कर रही है। पर जो आपके कहने पे टीआई, एसपी, तहसीलदार, कलेक्टर, एसटीएम और प्रशासनिक अधिकारी आपकी नौकरी करेगा, उसका घेराव ऐसे ही होगा जैसे आज हो रहा है, और उसके बाद कोर्ट में जाकर उस अधिकारी के खिलाफ एफआईआर लिखाएंगे। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उसको भी नहीं छोड़ेंगे, नौकर नहीं बनने देंगे उसको, एक नेता का, बीजेपी का। और दूसरा, जिस नेता ने कांग्रेस के वर्करों पर अत्याचार किया, जेल भिजवाया, मकान तोड़े, उसके घर जाकर, उसके घर, खुद के नेता के घर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता उसका प्रदेश अध्यक्ष जाकर उसका प्रदर्शन करेंगे, उसका विरोध करेंगे, बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। तैयार हो कि नहीं हो? तैयार हो कि नहीं हो?